जी कैफ फोर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर में एक तो हमने जो हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको कंक्लूड कर लिया आज के लेक्चर में हम लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की असाइनमेंट जो थी वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इस चैप्टर के एम सी क्यूज एम सी क्यूज एम सी क्यूज की तादाद कुछ ज़्यादा है तो आज के लेक्चर में हम एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट के क्वेश्चन बुक्स का रेफरेंस आपके सामने है अभी स्टार्ट करते हैं क्वेस् की तरफ चलते हैं

यानी उमैर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं है बल्कि वो एडमिटेड इंटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का केस है रिक्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू लिस्ट द राइट्स एंड ऑफ बिफोर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी मेजोरिटी अटेन करने से पहले उमेर के राइट्स और डिसबिलिटीज क्या होंगी ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है जिसमें हम माइनर एडमिटेड इंटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के राइट्स बताएंगे और उसके डिसबिलिटीज बताएंगे राइट्स क्या है कि उसका शेयर ऐप फर्म में के प्रॉफिट में और प्रॉपर्टी में और राइट्स क्या हैं कि वो फर्म के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है उसको इंस्टॉलमेंट करार नहीं दिया जा सकता और डिसेबिलिटीज क्या हैं कि वो पार्टनर का स्टेटस उसका नहीं होगा वो अगर बुक्स को सीक्रेट बुक्स को इंस्पेक्ट करना चाहे माइनर तो नहीं कर सकता इसी तरह वो अपने शेयर जो है प्रॉपर्टी में उसको भी क्लेम नहीं कर सकता अनलेस के वो डिसोसिएट करे अपने आप को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से तो ये कुछ राइट्स थे और डिसबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शन थी जो हमने स्टडी की है रिप्रोड्यूस करनी है ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है आगे चलते 85, मासूम राहुल एंड नाइला ट्रेडिंग फॉर्म ट्रेडिंग फॉर्म को अंडरलाइन कर लें इसका मतलब है हर पार्टनर बारो कर सकता है इन 2016 दे बारोड रुपीज फाइव हंड्रेड थाउजेंड फ्रॉम ए शॉप इन मुल्तान इश्तेग से पांच लाख बारो किया

इस ने कहा कि मेरे सत्रह साल के माइनर बेटे को आप पार्टनरशिप में एडमिट कर लीजिए ऐड कर लीजिए अंडर द प्रोविंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन टू डिस्कस वेदर मुनीर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस क्या मुनीर पार्टनरशिप में बिजनेस में एडमिट हो सकता है इसका जवाब हम दो तरह से देंगे कि एज पार्टनर ऐड नहीं हो सकता एज माइनर एडमिटेड इन टू बेनिफिट एड हो सकता है स्टेट मुनीस राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफ़ ही सो एडमिटेड मुनीर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताइए अगर उसे एडमिट किया जाता है अब ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज वही है जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि वो भी माइनर का केस था ये भी माइनर का केस है वो भी राइट्स और रिस्ट्रिक्शन वगैरह की बात कर रहा था डिसबिलिटीज ये भी राइट्स और डिस लाइबिलिटीज वगैरह की बात कर रहा और है और आपको पता है माइनर की लाइबिलिटी जो होती है वो सिर्फ अप टू शेयर इन्वेस्टेड इन बिजनेस उस तक होती है माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन मुशरफ एंटर्स ए ए ए पार्टनरशिप विद करजई करजई माइनर फॉर द ऑफ इज दिस पार्टनरशिप नहीं माइनर को एडमिट करने के लिए जरूरी होता है कि ऑलरेडी पहले से पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही हो दो अडल्ट हैं उनके दरम्यान में पार्टनरशिप है फिर माइनर एड हो सकता है लेकिन अगर एक अडल्ट वो माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता क्योंकि माइनर तो पार्टनर बन नहीं सकता इसका मतलब पार्टनर तो फॉर्म का एक ही होगा मुशरफ तो पार्टनरशिप का केस यहां पे अप्लाई नहीं होता पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए कम से कम दो चाहिए और वो माइनर नहीं होने चाहिए तो ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है एटी सेवन सेलिना ए माइनर वाल एडमिनिस्ट्रेट बेनिफिट्स ऑफ ए फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ एंजेलिना जेनिफर एंड जूलिया थ्री अडल्ट पार्टनर्स सेलिना को एडमिट किया गया एज पार्टनरशिप आगे क्या मंथ्स आफ्टर एज ऑफ मेजोरिटी अचीव करने के छह महीने के बाद सेलिना गिव पब्लिक नोटिस डेट शी ने फैसला किया कि वो रेगुलर पार्टनर बन जाएगी बट जूलिया एंड जेनिफर रिफ्यूज टू टेक हर लेकिन जूलिया और जेनिफर ने कहा कि आपको हमने पार्टनर के तौर पे नहीं ले यानी माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने लेकिन अब वो कह रही है कि जी पार्टनर के तौर पे आपको एडमिट नहीं करना आर जूलिया एंड जेनिफर जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू टेक सेलिना एज ए पार्टनर इसका जवाब है नहीं एग्जिस्टिंग पार्टनर ये जस्टिफाइड नहीं है याद रखें एज ऑफ मेजोरिटी अचीव करने के बाद पार्टनर बनना है या नहीं बनना ये डिसीजन उस माइनर का है एग्जिस्टिंग पार्टनर का नहीं है एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट तो उसी वक्त ले ली गई थी जब माइनर को एडमिट किया गया था इंटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप आपको याद है उस वक्त लॉ ये कहता है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर जरूरी है जब एकदम माइनर को एडमिट कर दिया गया एज ऑफ मेच्योरिटी आ गई अब जो डिसीजन करना है अब सिर्फ और सिर्फ माइनर ने करना है कि मैं कंटिन्यू करूं या क्विट करूं अब बाकी पार्टनर्स ने कोई डिसीजन नहीं करना उन्होंने जो कंसेंट देनी थी स्टार्ट में एडमिट करते हुए दे दी अब पार्टनर बनने बनने या ना बनने के लिए उनकी कंसेंट की जरूरत नहीं है इसलिए जूलिया और जेनिफर जस्टिफाइड नहीं है वो सेलेना को रिफ्यूज नहीं कर सकते उसने फैसला कर लिया मैंने पार्टनर बनना है तो सो वो पार्टनर है 88 एट। रुस्तम महमूद एंड वली आर पार्टनर्स इन एफम वली वांट्स टू एडमिट हिज 16 ईयर ओल्ड सन रागेब एज ए न्यू पार्टनर

एड हो सकता है पार्टनरशिप में स्टेट द राइट लाइबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ रागिब इफ इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस अब माइनर को अगर एडमिट किया जाता है तो उसके राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होंगे सेम क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था मैं रिपीट नहीं कर रहा कि माइनर टू बेनिफिट्स के राइट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शन या उसे डिसबिल भी कहते हैं या लिमिटेशन वो क्या है ये हम स्टडी कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एटी नाइन एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा और ये आई कैप बुक में है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जी क्या कह रहा है कह रहा है वसीम अहमद एंड सलमान आर पार्टनर्स इन ए फर्म ठीक है तीन पार्टनर्स फर्म के सलमान डाइड इन ए प्लेन क्रैश सलमान की डेथ हो गई वसीम एंड अहमद एग्री टू एडवेड सलमान माइनस एंड नुमान

नुमान ने 6 जून 2016 को एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव की मेजर हो गया ही बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट डेट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑन 16 जुलाई 2016। लेकिन उसे पता चला कि मुझे एडमिट किया गया था 16 जुलाई को दोनों डेट्स को अंडरलाइन कर लें यहाँ से कहानी में आया ट्विस्ट ये वो कंसेप्ट है जो आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने ऊपर साइड पे डेट लिखी थी तो आपसे कहा था अब इग्नोर कर दें क्योंकि मैं चाहता था पहले आपके जो रेगुलर कंसेप्ट सारे पक्के हो जाएं इसके बाद ये एडिशनल कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए एडिशनल कंसेप्ट क्या है जो कल के लेक्चर में हमने कवर नहीं किया एडिशनल कंसेप्ट यह है कि माइना जब एज ऑफ मेजोरिटी अचीव करेगा उसके बाद उसके पास कितना टाइम था छह महीने का यह छह महीने का टाइम स्टार्ट हो कब होगा कब स्टार्ट होगा छ महीने का टाइम जब वो एज ऑफ मेजोरिटी अचीव कर ली जब वो अठारह साल का हो गया कल तक यही सिखाया ना आज अगली कहानी सुने ट्विस्ट सुने कहानी में वो अठारह साल का हो गया एक जनवरी को लेकिन उसे पता ही नहीं है जब एज ऑफ मेजोरिटी अचीव कर ले लाख कितना टाइम देता है छह महीने का सोचने के लिए कि पार्टनर बनना है या क्विट करना है छह महीने का टाइम देता है लेकिन एक जनवरी को अठारह साल का हुआ उसे पता ही नहीं मैं माइनर एडमिटेड इन टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप हूं अगर उसे पता ही नहीं

कि वो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप तो छह महीने फिर एज ऑफ मेजोरिटी से नहीं शुरू होंगे छह महीने फिर कहाँ से शुरू होंगे जब उसे पता चलेगा यानी अट्ठारह साल का हो गया एक जनवरी दो हजार इक्कीस को लेकिन उसे पता चला जाके एक दिसंबर दो हजार इक्कीस को कि मैं माइनर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं तो जरा बताइए छ महीने कब से शुरू होंगे वो सोचना कब से शुरू करेगा जब उसको पता चलेगा यानी एक दिसंबर से तो ला ये कहता है कि छह महीने का टाइम शुरू कब से होगा एज ऑफ मेजोरिटी से या बिकमिंग अवेयर से विच एवर इज लेटर अगर 16 साल में पता चल गया कि मैं माइनर एडमिटेड पार्टनरशिप हूं तो छह महीने 16 साल की उम्र में शुरू हो जाएंगे तो 18 साल से होंगे और अगर 18 साल की उम्र में भी नहीं पता कि मैं माइनर एडमिटेड पार्टनरशिप हूं तो फिर बाद में जाके पता चला दस महीने बाद तो अब वो सिक्स मंथ टाइम कब शुरू होगा जब पता चला दस महीने बाद विच इज लेटर ये कंसेप्ट समझ आया तो जरा मुझे बताइए एज ऑफ मेजोरिटी छह जून को जून को अंडरलाइन करें लेकिन उसे पता चला सोलह जुलाई को छह महीने कब से शुरू करने हैं छह जून से सोलह जुलाई से कब से शुरू करने हैं विच इज लेटर तो छे जून और सोलह जुलाई में से कौन सा लेटर है सोलह जुलाई तो इसका मतलब 16 जुलाई से वो सोचना शुरू करेगा वो सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा Being undecided about joining the गन as अबाउट ज्वाइनिंग he ही प्रेफर टू वेट फॉर time। वो सोच रहा है एक महीना गुजर गया दो महीने वो सोच रहा है तीन चार महीने सोच रहा है कितने महीने तक सोच सकता है छह महीने अच्छा बताइए जब तक सोच रहा है उसका स्टेटस क्या है बताया था उसका स्टेटस क्या है माइनर उसका स्टेटस माइनर है दस जनवरी को क्या हुआ दस जनवरी को एक वकुआ हुआ हैरत अंगेज वाकया हुआ क्या वाकया हुआ फॉर्म सफर्ड हैवी लॉसेज ड्यू टू फायर इन वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज एक फैक्ट्री में आग लग गई सब कुछ जल गया फिर क्या वसीम एंड अहमद इनफॉर्म द मान डेट ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेस वसीम और अहमद ने नुमान को बताया भैया नुकसान बहुत हो गया आपका इंटायर कैपिटल वाइबड ऑफ एंटायर कैपिटल उड़ गया ऑफ का मतलब क्या है सफाया हो गया उड़ गया सारा कैपिटल उड़ सकता है उसका स्टेटस तो एज माइनर है क्या उस हालांकि अठारह साल का हो गया लेकिन अभी भी उसका स्टेटस एज माइनर चल रहा है माइनर चल रहा है क्यों चल रहा है क्योंकि अभी उसने डिसीजन नहीं किया अभी सोच रहा है क्या जब वो माइनर है स्टेटस एज माइनर है माइनर का कैपिटल सारा उड़ सकता है बिल्कुल उड़ सकता है वो वो उसका जो शेयर इन टू बिजनेस है वो सारा क्योंकि लॉस शेयर करेंगे बताया था ना लॉस की शेयरिंग और कंसेप्ट है लाइबिलिटी की शेयरिंग और कंसेप्ट है फिर बोल ले लॉस की शेयरिंग और कंसेप्ट है लाइबिलिटी की शेयरिंग और कंसेप्ट है फिर बोल बोलें लॉस की शेयरिंग और कंसेप्ट है लाइबिलिटी की शेयरिंग और कंसेप्ट है अब बोले, सर एक्सप्लेन विद बोलेन हेल्प ऑफ एक्सप्लेन विद हेल्प एक्सपल अभी सुनिए पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली क्या कंसेप्ट था पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली का कि प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा पार्टनर लॉस उसको नहीं मिलेगा क्या अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए तो इंस्टॉलमेंट हो गई फॉर्म तो क्या पार्टनर जो कि इन प्रॉफिट ओनली हिस्सेदार है उसकी लाइबिलिटी होगी यस उसकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है लॉस नहीं मिलेगा लेकिन लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होगी अब दूसरी एग्जांपल भी दे दू किस कंसेप्ट की भला के लॉस शेयरिंग और चीज है लाइबिलिटी शेयरिंग और चीज है दूसरी एग्जाम्पल माइनर की अभी एग्जाम्पल दी जिसमें लॉस शेयर नहीं हो रहा था लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी क्योंकि वो पार्टनर था माइनर का क्या कंसेप्ट है लॉस शेयर होगा लॉस शेयर होगा लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है क्योंकि वो पार्टनर नहीं है तो यहां पे बताइए उसको जब ये खबर मिली तुम्हारा सारा कैपिटल उड़ गया सफाया हो गया क्या माइनर का कैपिटल उड़ सकता है यस उड़ सकता है लेकिन फिर उन्होंने और क्या किया उन्होंने एक और बात कही वो बात खास बात वो खास बात क्या है कहा इन हैज नुमानकाउंट वाइब्ड ऑफ एंड ही इज रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट एक लाख टूबल दू सेटलिटी उसने कहा तुम्हारा फर्म में कैपिटल तो सारा उड़ गया घर से एक लाख रुपया और लेके आओ क्यों और लेके आओ ताकि फर्म का लोन रीपे किया जा सके क्या एक लाख रुपया लेके आएगा नुमान क्यों नहीं लेके आएगा एक लाख रुपया क्योंकि वाइनर उसका स्टेटस माइनर है और माइनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती सिर्फ लिमिटेड होती ये केस है माइनर एडमिटेटिव बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप का और चूंकि छह महीने भी गुजरे नहीं अच्छा छह महीने वाकई नहीं गुजरे क्या गुजर गए पक्की बात है नहीं गुजरे एक मिनट है रहे। अब काउंट करने लगा हूं आपने बताना छह महीने गुजरे कि नहीं गुजरे नुमान अटेंड मेजोरिटी ऑन छह जून छ जून को है जो मेजोरिटी और वुकुआ कब हुआ दस जनवरी को छ जून छ जुलाई एक महीना छ अगस्त सितंबर है ना सोलह जुलाई तो मैं छह जून से काउंट कर रहा हूं तो मुझे रोक क्यों नहीं यस यस क्यों कर रहा है बात पे हर बात पे यस सर नहीं करना हर बात पे यस सर सही बात पे करना है गलत बात पे यस सर नहीं करना तो सही बात क्या, पर... क्या है कि काउंट करेंगे सोलह जुलाई से क्योंकि एवर इज लेटर जब अठारह साल का हुआ वो या जब उसको पता चला वो विचअवरेज लेटर सोलह जुलाई से काउंट करें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी सोलह जनवरी को छह महीने पूरे होंगे तो ये दस जनवरी को हुआ हो गया ठीक है तो उसका माता बीबी उसका स्टेटस क्या है माइनर क्लियर हो गया ये समझ आ गया अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपने बताना सोल्यूशन में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा सारे फैक्ट सेम फर्क सिर्फ ये है कि ये दस जनवरी को नहीं बीस जनवरी को आग लगी है वो बीबी साइलेंट है नुमान अभी भी बीस जनवरी को आग लगी जरा बताइए अब देखें फर्क क्या पड़ा बीस जनवरी को छह महीने गुजर चुके हैं छह महीने सोलह जनवरी को गुजर गए थे सोलह जनवरी को छह महीने गुजर गए अब छह महीने गुजरने के बाद भी वो साइलेंट रहता है माइनर तो उसको क्या ज्यूम किया जाता है पार्टनर साइलेंस एक्सेप्टेंस पार्टनर पार्टनर है तो अब उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई अनलिमिटेड अगर ये आग 20 जनवरी को लगती ना तो वो घर से एक लाख रुपया भी लेके आता क्योंकि 20 जनवरी को वो पार्टनर बन चुका होता और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती कुछ कुछ खाने समझ आई आगे? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं जी अगला केस क्या कह रहे ए बी एंड सी पार्टनर्स ऑफ ए डी ए माइनर टू बेनिफिट्स ऑफ द फर्म ए बी सी ने डी को एडमिट किया अच्छा कुछ क्यों एडमिट किया आ, हमें ऐसे क्या क्यों एडमिट किया कुछ ना कुछ रीजन होगी छोड़े दो हजार अगस्त दो हजार सात को लेकिन उसे सोलह अगस्त को पता चला एडमिट कब हुआ छ मार्च को पता कब चला सोलह अगस्त को छह महीने कब से शुरू करने हैं 16 अगस्त विच अवर इज लेटर 16 अगस्त 2007 से तो इसका मतलब है 6 मार्च और 16 अगस्त में से कौन सी डेट हमारे लिए रेलिवेंट है 16 अगस्त वाली इसको अंडरलाइन कर लें 16 अगस्त इसको अब मैं 6 महीने गिनने लगू ना अगर मैं मार्च से गिनूं आपने फौरन रोक लेना आपने कहना नो सर और जब मैं सोलह अगस्त से गिनूं तो आपने कहना यस सर सोलह अगस्त से गिनना है विच अवर इज लेटर बी गन डिसाइडेड अबाउट द सिचुएशन ही प्रेफर्ड टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर अनाउंसिंग हिज अबाउट ज्वाइनिंग द फर्म वो साइलेंट रहा अच्छा अब सोच रहा है छह महीने का टाइम इस सोच रहा है जब तक सोच रहा है तो उसका स्टेटस क्या है? माइनर। सताइस फरवरी 2008 हजार आठ दम सफर्ड हैवी लॉसेज ड्यू टू तो एन अनफोर्चुन इवेंट एक वकुआ हुआ कब वकुआ हुआ सताइस फरवरी को फर्म को हैवी लॉसेज बेर करना पड़े ए बी और सी ने क्या कहा डी से कहा भैया सच लॉसेस की वजह से आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया फोर्टी परसेंट से डिस्कस द राइट्स एंड ऑफ डी इन सिचुएशन अगर सिर्फ कैपिटल की बात है कैपिटल रिड्यूस होने की बात है घर से पैसे लाने की बात तो नहीं है तो फिर हमें डिसीजन फोरी हो गया क्या कि चाहे माइनर है चाहे मेजर है जो फॉर्म में शेयर है वो तो लाइबल है वो तो लाइबल है लेकिन फर्ज कीजिए अब वो कह रहा है लाइबिलिटीज भी बताओ ठीक है लाइब्रेरी फर्ज कीजिए वो कहते हैं कि घर से भी पैसे लेके आओ तो क्या ये पर्सनल लाइब्रेल होता है मिस्टर डी ये अभी डिसाइड करते हैं डेट क्या है हमारी जब से छह महीने का सोलह अगस्त सोलह सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सोलह फरवरी को छह महीने पूरे हुए सोलह फरवरी को छह महीने हो गए वकुआ हुआ सत्ताईस फरवरी को सोलह फरवरी को वो साइलेंट है कोई ऐलान तो नहीं किया उसने कि मैं पार्टनर हूं कि नहीं हूं तो सोलह फरवरी को क्या बन गया पार्टनर बन गया सताइस फरवरी को जब आग लगी वकुआ हुआ जो भी था वो उसका स्टेटस क्या था एज माइनर के एज पार्टनर एज पार्टनर तो क्या इसकी लाइबिलिटी है बिल्कुल इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि कंट्रीब्यूट करेगा ऐसे इस इसकी तरफ ये क्लियर हो गया ठीक है और राइट्स क्या राइट्स यह कि सारे पार्टनर के साथ जॉइंटली कंट्रीब्यूट करेगा ना दूसरे पार्टनर भी इसके साथ मिलके लॉस शेयर करेंगे तो भाई नाइनटी क्लियर इसमें पार्टनर बन गया है और वो लाइबल है लेकिन चूंकि सिर्फ फोर्टी परसेंट कैपिटल ड्यूस हुआ है घर से पैसे लाने की नौबत नहीं आई लेकिन हम ये बता देंगे सोल्यूशन में कि अब ये पार्टनर है इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बस अब क्या करना है हमने एम सी क्यूज करने शाबाश उम्मीद है आपने एमसी क्यूज अटेम्प्ट किए होंगे नहीं किए अभी पॉज करें लेक्चर को पहले सारे एमसी क्यूज अटेम्प्ट करें

अगर अभी एमसी क्यूज अटैम्प्ट नहीं किए लेक्चर को पॉज करें पहले एम सी क्यूज को अटैम्प्ट करें फिर वापस आए तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी अब चलते हैं हम एम सी क्यूज की तरफ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एम सी क्यूज को अटैम्प्ट कोई नहीं किया होगा सोचा होगा कि सब ने जब करने ही है तो हमें क्या जरूरत है अपनी एफर्ट जया करने की डुप्लीकेट एफर्ट करने की बहरहाल कहना मेरा काम था करना ना करना आपकी मर्जी स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के एम सी क्यूज करने जा रहे हैं हम क्या कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करो पहला क्वेश्चन रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप अराइजेज बाय लीगल स्टेटस ऑफ द पर्सन नो अराइजेज आउट ऑफ बिजनेस डीलिंग नो ये कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे डिटरमिन होता है डिसाइड होता है रिलेशनशिप अराइजेज आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन यस सी ऑप्शन करेक्ट है पार्टनरशिप का रिलेशनशिप पार्टनरशिप के आपस के कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे डिटरमिन होता है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है एम्प्लॉयड भी हो सकता है Rises out of of legal implication? No. Correct option is is C. Second MCQ. Partner is, partner is only an agent agent? the firm? Firm agent? partner at the same time agent ऑप्शन है और दूसरों का प्रिंसिपल भी है एजेंट और प्रिंसिपल दोनों रोल होते हैं हर पार्टनर के यानी उसके एक्ट की वजह से दूसरे बाइंड हो सकते हैं और दूसरों के एक्ट की वजह से वो भी बाइंड हो सकता है ओनली एज एजेंट ऑफ Only नो ओनली एज प्रिंसिपल टू No. Only as principal to other partners? no. एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल सी ऑप्शन करेक्ट है पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है उसके दोनों रोल है तो सेकंड में करेक्ट ऑप्शन हुई सी आगे चलिए थर्ड मिस्टर एक्स मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड आर पार्टनर्स इन फर्म बाय एन एग्रीमेंट दे डिसाइडेड दैट नो पार्टनर वुड हैव अथॉरिटी टू सेल गुड्स ऑफ द फर्म अबव द वैल्यू ऑफ रूपीज फिफ्टी थाउजेंड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स टू द सडन स्लम इन द मार्केट द प्राइस क्रैश ये भी किसी एक क्वेश्चन किया था यह प्राइस क्रैश सडन स्लम्प की वजह से तो यह कौन सी चुएशन आई अथॉरिटी इन केस ऑफ एमरजेंसी वाली वन पार्टनर सोल्ड ऑल द स्टॉक वर्थ रुपीज फाइव हंड्रेड थाउजेंड विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर इज द पार्टनर लाइबल फॉर दिस एग्रीमेंट नहीं एमरजेंसी का केस है अगर उसने फर्म को लॉस से बचाने के लिए ये एक्ट किया है तो बिल्कुल उसकी अथॉरिटी है वो ये कर सकता है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पार्टनर इज लाइबल एज ही इज इन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट नो पार्टनर इज नॉट लाइबलिटी इन केस ऑफ एमरजेंसी का केस है दायबल बो पार्टनर इज नॉट लाइबल ए और बी तो सीधी आउट कर देना क्योंकि इन दोनों में पार्टनर लाइबल है लाइबल है ही नहीं वो सी और डी में कह रहा है पार्टनर इज नॉट लाइबल डिसीजन ठीक है अब हमने बेसिस ऑफ डिसीजन देखना है जिसकी बेसिस ऑफ डिसीजन भी ठीक हुई ऑप्शन को क्लिक क्लिक कर टिक करेंगे द पार्टनर इज इज नॉट ही एक्टिंग इन ऑर्डर टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस ये ठीक ऑप्शन लग रही है मुझे कि फर्म को नुकसान से बचाने के लिए उसने ये एक्शन किया थर्टीन केस ऑफ एमरजेंसी थे इसीलिए पार्टनर लाइबल नहीं है लेकिन नेक्स्ट में डी पार्टनर इज नॉट लाइबल एज ही हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी डू एक्सप्रेस अथॉरिटी उसकी नहीं थी बल्कि एक्सप्रेस अथॉरिटी में तो यह लिखा गया था कि उसने काम नहीं करना लेकिन चूंकि यह इमरजेंसी का केस था इसमें अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला रूल लगेगा तो वो बिल्कुल इसको सेल कर सकता है करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर फोर है पार्टनरशिप फर्म हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड क्या पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है पार्टनर्स का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता प्रोप्राइटरशिप का भी पार्ट, देखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तीन टाइप्स होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप और कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता कंपनी के केस में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी बी ऑप्शन करेक्ट है कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है आगे चलिए फिफ्थ पे चलते हैं एमसीक्यू नंबर फिफ्थ अपने नाम से कंपनी के शेयर्स खरीदता है अथॉरिटी मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ दूसरे पार्टनर से नहीं पूछा लेकिन पैसा किसका इस्तेमाल किया फर्म का तो बताइए कोई ऐसा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं क्या ये उसके लीगल स्टेटस से डिसाइड करते हैं क्या इससे से डिसाइड करते हैं किसके नाम पर नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में डेफिनेशन में उसने हमें रूल बताया हुआ है कि जो चीज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से खरीदी गई पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी गई वो चाहे किसी के भी नाम पे है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी समझी जाएगी अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन यहां पे कोई कंट्रेरी इंटेंशन उसने नहीं बताई तो चूंकि ये शेयर खरीदे गए हैं पार्टनरशिप के पैसों से इसलिए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है स्टेट द लीगल पोजिशन शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए नहीं इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि फर्म के पैसों से खरीदे गए शेयर आर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव पार्टनर्स ऑन फर्म नहीं या तो प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की होंगी या इंडिविजुअल पार्टनर की अगर पर्सनल है तो शेयर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर ए नो शेयर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म डी ऑप्शन करेक्ट है यस yes, ये शेयर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है क्योंकि फर्म के पैसों से खरीदे गए आगे चलिए नेक्स्ट अब नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू नंबर सिक्स फॉर दम जॉइंटली जॉइंटली एंड सेवरली सेवरली या इंडिविजुअली जॉइंटली एंड सेवरली दोनों जॉइंटली का मतलब सारे पार्टनर लाइबल है सेवरली का मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी उनकी तो सिक्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स की ऑप्शन बी करेक्ट है सेवन ए माइनर कैन बी ए पार्टनर इन फर्म नहीं माइनर पार्टनर फर्म में पार्टनर हो ही नहीं सकता कैन बी हेल्ड पर्सनली लाइबल नो माइनर पर्सनली लाइबल नहीं हो सकता वेन हीज एडमिटेड इन टू दार्टनरशिप माइनर पर्सनली लाइबल नहीं हो सकता सी कैन नॉट बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ आल पार्टनर नहीं विद द कंसेंट ऑफ आल पार्टनर एडमिट हो सकता है और डी में यही बात कर रहा है कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म विदेंट ऑफ आल पार्टनर येस माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स अगर सारे पार्टनर की कंसेंट हो तो सेवन में कौन सी ऑप्शन करेक्ट डी एट ए माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ टूवर्ड्स थर्ड पार्टी ए माइनर को बेनिफिट्स में एडमिट किया गया अब थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज पर्सनली लायबल नो इज लायबल फॉर हाफ ऑफ द लॉस नो ज लाइबल ओनली अप टू हिज शेयर इन दम ये सी ऑप्शन करेक्ट है और डी में कह रहा हैिटी एट ऑल नहीं ये गलत है उसके पर लाइबिलिटी तो है लेकिन कितनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है लिमिटेड है अपटू हिज शेयर इन दी फर्म उस अमाउंट तक की यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हुई एट में कौन सी हुई सी नाइन में चलता है जी नाइन में कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ दस्ट बी यूज फर्म की प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ फर्म फर्म के पर्पज के लिए फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द एक्टिव पार्टनर्स नो फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टनर्स नो फॉर द दर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म यस सी प्रॉपर्टी को बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए यूज होना चाहिए हा अगर पार्टनर्स आपस में एग्री कर ले तो पर्सनल पर्पज के लिए भी कोई पार्टनर यूज कर सकता है लेकिन अगर एग्री करे चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए हम इस चीज को एज्यूम नहीं करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई नाइन की सी फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए आगे चले टेन मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर पार्टनर्स इन एन इंस्टॉलमेंट सेल बिजनेस मिस्टर ए आस्क वन ऑफ द कस्टमर टू डिपॉजिट सिक्योरिटी वर्थ इन टू परचेज गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स

पहली बात एक्सटर्नल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरी फर्म लायबल है फर्म उसके नुकसान को कंपनसेट करेगी लेकिन अगर विद इन फर्म देखें तो सारे का सारा जो नुकसान है फ्रॉड है वो मिस्टर ए एन भागा भरना पड़ेगा ऑप्शन में क्या कह रहे हैं लॉस नो वन इज लाइबल टू कंपनसेट द लॉस नहीं ये भी गलत है एंड बी भी गलत नोम लाइबल टू कंपनसेट हाँ अब देखें अब C D में एक है। उसने में हमें बताया नहीं थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि विद इन द पार्टनर्स बताना है अगर थर्ड पार्टी के साथ देखें तो थर्ड पार्टी को तो सारी फर्म लाइबल होगी लॉस कंपनसेट करने के लिए उस सूरत में करेक्ट ऑप्शन होगी डी ऑल पार्टनर्स आर लाइबल टू कंपनसेट लॉस मिस्टर कस्टमर कस्टमर को कंपनसेट करने के लिए लेकिन अगर विद इन दी फर्म बात करें पार्टनर्स की बात करें सिर्फ तो विद इन फर्म मिस्टर मिस्टर ए ए ने फ्रॉड किया है तो इज ओनली टू कंपनसेट द लॉस अब चूंकि नहीं किया इसलिए मेरे ख्याल में डी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम एज्यूम करते हैं कि थर्ड पार्टी कौन कंपनसेट करेगा लॉस तो ए को सारी फर्म सारे पार्टनर्स करेंगे तो बन सेट। D Lekin C किसी पार्टनर की थर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो थर्ड पार्टी में बाइंडिंग होगी कब जब थर्ड पार्टी को नॉलेज हो याद है हम कैसे करते हुए इफ थर्ड पार्टी नोस तो क्या केस है थर्ड पार्टी डज नॉट नो तो वो क्या केस है अगर थर्ड पार्टी नो नॉलेज है उसको तो फिर दूसरी होती थी वरना तो रिस्ट्रिक्शंस अगर हैं तो उस पर बाइंडिंग होगी कब थर्ड पार्टी जब सच रिस्ट्रिक्शन आर वैलिड नो आर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नो सच रिस्ट्रिक्शन बीन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट नो सच रिस्ट्रिक्शन आर इन द नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी यानी अगर थर्ड पार्टी को पता है तो ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी को समटाइज रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ये रिस्ट्रिक्टेड वाला अप्लाई होगा वरना एज्यूम किया जाएगा अगर थर्ड पार्टी को कोई नॉलेज नहीं है और वो कोई रिस्ट्रिक्शन का और वो कोई ऐसा एक्ट पार्टनर के साथ एग्री कर लेती है जो कि रिस्ट्रिक्टेड था तो याद रखे थर्ड पार्टी को ला फिर प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं था ठीक है तो रिस्ट्रिक्शन जो है पार्टनर पे ये थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग होगी थर्ड पार्टी की इसकी पाबंदी करना होगी कब जब उसके नॉलेज में होगी। डी ऑप्शन करेक्ट आगे चलिए सप्लायर विद इन मिस्टर सी यानी मिस्टर एक पार्टनर है मिस्टर पार्टनर कोई नहीं है वो सप्लायर को बताता है मिस्टर क्या डैड मिस्टर पार्टनर इन दार्टनरशिप फॉर्म ऑफ मिस्टर के ए और सी पार्टनर है ए ने सप्लायर को बताया

लेटेस्ट सप्लायर सप्लाई सर्ट एंड गीगल पोजिशन मिस्टर बी ने चीजें मिस्टर ए को सप्लाई कर दी तो भाई जान पैसे कौन देगा ए को पैसे देने चाहिए लेकिन अगर ए भाग जाता है क्या सप्लायर मिस्टर सी से पैसे रिकवर करवाएगा यस करवा सकता है मिस्टर सी अगर बाद में यह कहे कि ये तो मेरा पार्टनर था ही नहीं तो सप्लायर कहेगा भाई नहीं था तो जिस वक्त ए ने कहा था कि मैं सी का पार्टनर हूं उस वक्त तुम बोले क्यों नहीं

नो मिस्टर मिस्टर बी बी क्लेम कर सकता है सी विल टू पे द प्राइस प्राइस मिस्टर सी है इस प्राइस को पे करने के लिए डी ऑप्शन करेक्ट है वैसे डी ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि पार्टनर बेस्टर का कंसेप्ट यही होता है लेकिन एक जनरल कंसेप्ट की अगर बात करें तो मिस्टर ए जिसने चीजें खरीदी हैं वो खुद भी पर्सनली लाइबल है ठीक है मिस्टर ए से सभी रिकवरी करवाई जा सकती है और अगर मिस्टर ए पैसे नहीं देता बैंक हो जाता है इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो फिर मिस्टर सी भी लायबल होगा प्राइस पे करने के लिए क्योंकि वो पार्टनर बाय बेस्टल का है पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी आई डी आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर थर्टीन की तरफ ऑन ए टेनिंग मेजोरिटी द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन इन वेदर ही कंटिन्यू बिल्कुल जनरल रूल है

उन डेट्स की उस वक्त से जब वो टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हुआ था और आपको बताया था यही सोच सोच के छह महीने वो यही तो सोचता रहता है कि जब से मैं एडमिट हुआ तब से लाइबिलिटीज क्या है फर्म की और मुझे पार्टनर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए क्योंकि जब वो फैसला करता है पार्टनर बनेगा उसकी लाइबिलिटी होगी फॉर डेट्स जो कि एडमिटेटिव बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप की डेट से थे ऑप्शन क्या दे रहा है फ्रॉम द डेट वन ही टेन मेजोरिटी नो फ्रॉम द डेट दिन ही पब्लिक नोटिस नो सिंस द डेट ऑफ एडमिशन टू द ऑफ पार्टनरशिप सी ऑप्शन करेक्ट डी आफ्टर द दैब्स ऑफ सिक्स नो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारी वो जब से एडमिट हुआ था तब से लाइबल समझा जाएगा आगे चलिए जी फोर्टीन पार्टनर गिव अच्छा ये आपको रूल बताया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी इंटरेस्ट ऑन एडवांस का भी इंटरेस्ट ऑन अगर कुछ भी एग्री जाना किया हो तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसिस मिलेगा एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट अगर पार्टनर आपस में एग्री कर ले तो कम ज्यादा भी हो सकता है वरना नॉर्मली सिक्स परसेंट होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली नहीं दिया जाता हाँ अगर पार्टनर आपस में एग्री कर ले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो फिर पे किया जाएगा लेकिन किस वक्त जब हमको प्रॉफिट होगा अगर लॉस हुआ फिर पे नहीं किया जाएगा यहां पर इंटरेस्ट ऑन एडवांस की बात कर रहा है कैपिटल की बात नहीं कर रहा कैपिटल वाला रूल हम साइड पे कर देंगे आगे चल के किसी क्वेश्चन में होता लेकिन याद रखें कैपिटल वाला रूल भी पूछा है टेस्ट किया है तो क्या इंटाइटलमेंट की नॉट टू क्लेम एनी सच इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट नहीं नहीं क्लेम कर सकता है कितना अगर ऊंच नीचा है तो जितना एग्री हुआ है वो मिलेगा बी ऑप्शन करेक्ट है टू क्लेम इंटरेस्ट एट दर्ट ट्वेल्व परसेंट पर है नाम नो नो पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ सिक्स परसेंट का ट्वेल्व परसेंट नहीं लिखा हुआ टू क्लेम इंटरेस्ट एज पार्टी कौन होती है जो डिसाइड करने वाली उसका लेना देने कोई नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी फिफ्टीन अंडर द एम्प्लॉयड अथॉरिटी द पार्टनर मे नॉट अथॉरिटी में पार्टनर क्या काम नहीं कर सकता एम्प्लॉय सर्वेंट नौकर रख सकता है बिल्कुल रख सकता है प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करवा सकता है बिल्कुल करवा सकता है बाय मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकता है तीनों काम कर सकता है ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता ये रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि property, होती है ये के में शामिल नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई क्वेश्चन की डी सिक्सटीन की तरफ चलते हैं एक्स एंड वाई फार्मनरशिप फर्म टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग प्लाजा एक्स एंड वाई ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई किस मकसद के लिए शॉपिंग प्लाजा बनाने बताइए शॉपिंग प्लाजा के लिए पार्टनरशिप की कौन सी पार्टनरशिप की टाइप है ये टाइप है भूल गया पार्टनरशिप एट विल के पर्टिकुलर पार्टनरशिप पार्टनर्स पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पार्टनरशिप स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज कार्ड क्या लिमिटेड पार्टनरशिप नो 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 पर्टिकुलर पार्टनरशिप यस 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 पार्टनरशिप एट विल नहीं इंप्लाइड पार्टनरशिप भी नहीं तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है आगे चल के आपको याद है लेक्चर में बताया था अगर ये पर्पस पूरा हो जाए और फिर उसके बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रहे तो फिर ये पार्टनरशिप क्या बन जाती है फिर ये पर्टिकुलर नहीं रहती क्योंकि वो तो पर्पस या पीरियड खत्म हो गया फिर क्या बन जाती है पार्टनरशिप एट विल अच्छा फौरन बता दिया आपने इतना ला आता है आपको तो फिर अगली बात बताइए पार्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप एट विल में डिफरेंस क्या है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अगर कोई बंदा पार्टनरशिप को छोड़ना चाहे सिर्फ नोटिस दे पार्टनरशिप खत्म पार्टनरशिप एट विल में नोटिस दिया खत्म लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में सब ने एग्री करना होता है फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है ये फर्क याद है पढ़ा था ना हमने कहीं पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पढ़ा भी था तो भूल गए होंगे वो चीजें कम में याद करने को सेवनटीन कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ए पार्टनरशिप इज कंक्लूसिव एविडेंस क्या है म्यूचुअल एजेंसी यस पार्टनर का एक दूसरे का एजेंट होना एक दूसरे में ये पावर होना कि एक दूसरे को बाइंड करेंगे ये होता है कंक्लूसिव एविडेंस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रॉफिट शेयर होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते छह एग्जाम्पल थी कि सात थी

कुछ केसेस में एक बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं भी करता फिर भी वो पार्टनर हो सकता है तो कंक्लूसिव एविडेंस क्या हुआ पार्टनरशिप का म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी 18 पार्टनरशिप इज क्या है द रिलेशनशिप विद पर्सन है प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस बिजनेस तो नहीं है रवानी में पड़ गया क्योंकि डेफिनेशन का लगाया हुआ था ना ये तो है प्रॉफिट्स ऑफ ओन्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ना 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 आपको याद है जो ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी होती है वो कोनरशिप बन जाती है तो ये थोड़ा सा मेरा दिल कह रहा है कि हो भी सकती है पर, लेकिन कुछ दिल कह रहा है कि नहीं ये ओनरशिप की तरह ये फिफ्टी फिफ्टी है आगे चल के पढ़ लेते हैं अगर कोई बेहतर ऑप्शन मिली तो ठीक है वरना इसको टिक कर लेंगे बी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट हाँ ये ठीक है एग्रीमेंट होता है losses, नहीं, नहीं, में तो पार्टनरशिप नहीं होती आपको पता है वो इंटरेस्ट को बैंक वाले क्या कहते हैं आजकल सूद को वो प्रॉफिट कहते हैं तो अगर मैंने बैंक में जाके खुदा नहासा पैसे रखवाए और उससे इंटरेस्ट लिया तो क्या मैं उसका वो वो तो कहेंगे हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं क्या मैं बैंक का पार्टनर बन जाऊंगा कोई पार्टनर नहीं बनूंगा मैं मैं तो सूदखोर बन जाऊंगा सूदखोर मैं बना के बना के बैंक क्या दोनों बने दोनों बन गए चले तो ये पार्टनरशिप नहीं है सी बोथ ऑफ दी बव ना 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 गलत डी द रिलेशनशिप बिटवीन अच्छा मुझे लग रहा है ये ठीक होगी क्योंकि ऊपर वाली तीनों तो मुझे लग... उनमें कुछ ना कुछ गलती नजर आई डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन आगे yes. 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 cool. yes. 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 पीछे करके कंसेप्ट को उलटा दिया जिससे वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कम्प्लीट डेफिनेशन नहीं बन सकी लेकिन डी जो है यह पार्टनरशिप की कंप्लीट डेफिनेशन है तो 18 की करेक्ट ऑप्शन हुई डी 19 डिलीट हो गया क्यों डिलीट हुआ छोड़े इसको डिलीट हो गया अच्छा हुआ आगे चलें ट्वेंटी द पर्सन इनटू पार्टनरशिप विद वन आर कलेक्टिवली कलेक्टिवली क्या क्या कहते हैं फर्म पार्टनरशिप तो उसकी टाइप ऑफ बिजनेस है जो, जो पार्टनरशिप एक्ट तो उसको नाम देता है उन लोगों को वो फर्म का नाम देता है नॉर्मली हम बोलते चालते पार्टनरशिप फर्म दोनों यूज कर लेते हैं लेकिन असल में फर्म का नाम यूज किया जाता है फर्म पार्टनरशिप no. no. yes. no. का रिलेशनशिप किस वजह से राइज होता है कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट हो तो पार्टनर होंगे वरना पार्टनर नहीं और यह कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा एक्सप्रेस होगा कि दोनों हो सकते हैं अच्छा अगर एक्सप्रेस है तो ओरल होगा कि रिटर्न होगा दोनों हो सकते हैं ट्वेंटी वन आगे चलें। ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसका मतलब है चार स्टेटमेंट में तीन गलत है एक ठीक है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस इन राइटिंग ओनली नहीं 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 सिर्फ राइटिंग में होना लाजमी नहीं है ओरल भी हो सकता है बी

इसमें भी कमी रह गई डी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस इधर इन राइटिंग ओरली इंप्लाइड यस बेहतरीन डेफिनेशन डी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है इंप्लाइड भी हो सकता है एक्सप्रेस में राइटिंग भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है ट्वेंटी थ्री इन ऑर्डर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट टू शेयर पार्टनरशिप बना करने के लिए पार्टनर एग्रीमेंट करती हैं क्या शेयर करने के लिए ओनली लॉसेस

तो इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक के बाद यहां से 24 याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे जी नेक्स्ट 24 फोर क्वेश्चन वे पार्टनरशिप इज एट विल जब पार्टनरशिप एट विल है द फर्म में बी डिजोल्व बाय एनी पार्टनर फर्म में बी डिजोल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिजोल्व द फर्म इन राइटिंग टू एनी ऑफ दस ऑल द अदर पार्टनर अच्छा ये कंसेप्ट चैप्टर के दौरान मैं नहीं पढ़ा था उसने सिखाया लेकिन एमसी क्यों टेस्ट कर लिया जब पार्टनरशिप एट विल हो तो डिजोल्व करने के जो नोटिस देना वो सारे पार्टनर्स को देना होता है करेक्ट ऑप्शन है ऑल द अदर पार्टनर्स टू पार्टनर थ्री पार्टनर ऑल द अदर पार्टनर बी ऑप्शन करेक्ट है ट्वेंटी फाइव चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत वाली स्टेटमेंट

तो पार्टनर्स का प्रॉफिट इक्वल होगा ये भी ठीक है और हमने तो गलत स्टेटमेंट ढूंढ दी है इसको छोड़ दें सी द पार्टनर्स आर इन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय देम ये गलत है पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर अगर कुछ भी एग्री नहीं हुआ ना तो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ये स्टेटमेंट गलत है सी डी पी पढ़ देते हैं ए पार्टनर शैल इन डेमिफाई द फॉर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू बाय हिज बिल्कुल एक पार्टनर की वजह से विलफुल निगलेक्ट की वजह से फर्म को कोई नुकसान हुआ है तो वो फर्म को कंपनसेट करेगा ए भी ठीक बी भी ठीक डी भी ठीक सी ऑप्शन गलत है इसको सेलेक्ट ट्वेंटी सिक्स सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ए चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म ठीक है एक चेंज जो है बिजनेस के नेचर में वो किया जा सकता है अब याद आपको बताया था तीन तरह के चेंजेस है जो सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी फिर हो सकते है, नहीं हो सकते उनमें एक नेचर, चेंज इन नेचर पार्टनर्स, और दी, विद कंसेंट पार्टनर्स और डी कंसेंट ऑफ ऑल एंड ऑफ फर्म्स नो सी अगर आपने बिजनेस के नेचर में चेंज करना है तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है आगे चलिए ट्वेंटी सेवन जी इन द दब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट एक्सप्रेस रिप्लाइड प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म इज डीम टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म में क्या चीज शामिल अभी ये उसने टेस्ट करा हमसे प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म की डेफिनेशन तो कह रहा है क्या क्या चीजें शामिल होती हैं ए ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच है बिल्कुल जो भी पार्टनर्स अपना कैपिटल में एड करवाते हैं लेके आते हैं चाहे इनिशियली चाहे सब्सिक्वेंटली वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहलाता है बिल्कुल ठीक है जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में एड किया एक करेक्ट है लेकिन बी भी, भी पढ़ लें दो इन कोर्स ऑफ बिजनेस विद द मनी बिलोंगिंग टू दर्म बाद में फर्म के पैसों से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी वो भी बिल्कुल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल होता है प्रॉपर्टी ऑफ फर्म कहलाएगी सी गुडविल ऑफ द बिजनेस यस गुडविल ऑफ द बिजनेस भी फर्म की प्रॉपर्टी में शामिल होता है इसका मतलब है तीनों स्टेटमेंट्स तीनों कैटेगरीज फर्म प्रॉपर्टी में शामिल होगी इसलिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना ए ना बी ना सी बल्कि डी ऑल ऑफ द ट्वेंटी एट डैश हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन दंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एवरी पार्टनर हर पार्टनर का ये राइट right होता है देखिए बाद में चाहे कुछ पार्टनर ये डिसाइड करें इस राइट को मे एक्सरसाइज ना करें करें और ये डिसाइड करें कि हमने बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना लेकिन राइट हर पार्टनर का है कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकता है ठीक है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी ए एवरी पार्टनर सब पार्टनर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सबसे पार्टनर्स ये नहीं बल्कि हर पार्टनर का राइट है ए ऑप्शन करेक्ट ट्वेंटी नाइन एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और डोरमेंट हैज ए राइट ऑफ फ्री एक्सेस टू हर पार्टनर का राइट है चाहे एक्टिव हो चाहे डोरमेंट के उसे फ्री एक्सेस मिले किसकी बुक्स की भी अकाउंट्स की भी याद रखे हर पार्टनर का राइट है बुक्स के ऊपर भी अकाउंट्स के ऊपर भी हाँ जो माइनर होता है उसका राइट अकाउंट्स का है बुक्स की एक्सेस करने का राइट नहीं है उसका और जो ट्रांसफरी है उसको ना तो अकाउंट्स का राइट है ना बुक्स का राइट तो यहां पे पार्टनर के राइट की पूछ रहा है तो ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म ओनली नहीं के साथ साथ बुक्स और इंफॉर्मेशन का राइट भी है फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स फैक्ट्री द फर्म बिल्कुल ए भी राइट है बी भी राइट है हर पार्टनर का तो करेक्ट ऑप्शन हमने क्या सिलेक्ट कर रही है ए ना बी बल्कि सी बोथ ऑफ अब तो इस ट्वेंटी नाइन में सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्टी पे ए पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कोई पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है यस yes. अगर एग्री किया हो पहली चीज और दूसरा फर्म को प्रॉफिट हो फिर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है इफ देर इज लॉस नो इफ देर इज प्रॉफिट यस लेकिन आधी बात कर रहा है कि प्रॉफिट हो और एग्री भी किया हो सी में पूरी बात कर रहा है इफ देर इज प्रॉफिट एंड देर इज एग्रीमेंट टू पे इट यस सी ऑप्शन करेक्ट है अगर प्रॉफिट है और एग्रीमेंट भी किया गया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वरना नहीं यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन एडवांस का फर्म आ, फर्क है इंटरेस्ट ऑन एडवांस इन एनी केस मिलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता जब तक कि एग्री ना किया गया हो और प्रॉफिट ना हो तो हो 31, right इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी हमारी थर्टी वन विच ऑफ नॉट ए राइट ऑफ पार्टनर्स इनमें से कौन सा पार्टनर का राइट नहीं है ए एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंट्रीब्यूट इन दी पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इट सॉरी एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंटिन्यू इन दार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इट बिल्कुल ये हर पार्टनर का राइट है कि वो चले दूसरे पार्टनर्स मिलकर उस किसी एक पार्टनर को नहीं निकाल सकते यह राइट right है हमने ढूंढना है जो राइट right नहीं है बी ए पार्टनर हैज पावर टू एक्ट इन एन एमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस बिल्कुल थर्टी इन केस ऑफ एमरजेंसी यह भी हर पार्टनर का राइट right है सी एवरी पार्टनर इज इंटाइटल टू शेयर इन द प्रोफिट्स इक्वली बिल्कुल हर पार्टनर का यह भी राइट right है कि वो प्रॉफिट्स में इक्वली शेयर करे यानी अगर आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की गई तो हर एक का इक्वल राइट होगा डी एवरी पार्टनर इज टाइटल टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इन टू द फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर गलत जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी नया पार्टनर ऐड नहीं हो सकता वो नेचर ऑफ बिजनेस के लिए न्यू पार्टनर ऐड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एनिंग रेशियो चेंज करने के लिए हर इन चेंज इस तरह के चेंजेस के लिए हर पार्टनर की आल पार्टनर की कंसेंट जरूरी है तो ये डी ऑप्शन गलत है कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बगैर नया पार्टनर ऐड नहीं कर सकता तो डी राइट right नहीं है ए भी राइट है बी भी सी भी डी राइट नहीं है तो इसमें से, जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी वो डी है आगे चलते हैं थर्टी टू पे द एम्प्लॉड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट इंपावर हिम टू इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या चीज शामिल नहीं है एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या चीज शामिल नहीं है सबमिट ए बिजनेस डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन हाँ बिजनेस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को सबमिट करवाना ये इंप्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है क्या ये को सिलेक्ट कर लू नहीं

थर्टी थ्री क्या कहते हैं इफ एम इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस ऑफ थर्ड पार्टी इफ वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग विद इन अथॉरिटी मिसअप्लाइज द मनी आर प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम ए थर्ड पार्टी बिल्कुल अगर कोई एक पार्टनर थर्ड पार्टी से पैसे लेता है और उसको अप्लाई करता है फ्रॉड करता है तो फर्म लाइबल होगी ये ऑप्शन करेक्ट है लेकिन एज रूल अगर ऑल ऑफ द बव नॉन ऑफ है तो मुझे सारी ऑप्शंस को पढ़ना है फिर डिसीजन करना है ये ठीक होगी ऑप्शन बी वन ऑफ द पार्टनर मिसअप्लाईज द मनी और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम ए थर्ड पार्टी बाय द फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस वाइल इट इज इन कस्टडी ऑफ द फर्म पहले में देखे पार्टनर पहले में क्या है कह रहे पार्टनर डायरेक्ट कस्टमर से पैसे लेके मिसअप्लाई करे फ्रॉड मिसअप्रोप्रिएशन करे फ्रॉड करे फॉर्म लाइबल है दूसरी में फर्क क्या है दूसरी में पहले पैसे कस्टमर से फर्म ले रही है फर्म के दराज में काउंटर पे पड़े हैं और कोई पार्टनर आके वो पैसे उठा लेता है और फ्रॉड करता है उस सूरत में भी फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को कंपनसेट करने के लिए ए में भी लायबल है बी में भी लायबल है सी बाय द रॉन्गफुल और मिशन ऑफ ए पार्टनर एक्टिंग इन ऑर्डरी है कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी पार्टनर की रॉन्गफुल एक्ट से थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचता है फॉर्म लायबल है तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई ना ए ना बी ना सी हालांकि तीनों ठीक है लेकिन हमारी मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन हुई डी ऑल ऑफ दर्टी फोर इमाद एंड फ्राज आर पार्टनर इन क्लॉथ ट्रेडिंग बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्राज हिज फ्रेंड गालिब बोस्टेड डेट ही इज ऑल्सो ए पार्टनर इन द बिजनेस इन फ्रंट ऑफ हारून ए कस्टमर रुक के जरा सोच लें इमाद और फराज पार्टनर्स हैं फराज यानी पार्टनर की मौजूदगी में गालिब ने कहा कि मैं भी पार्टनर हूं गालिब ने किसको कहा हारून को हारून कस्टमर था कस्टमर की मौजूदगी में गालिब ने कहा मैं भी पार्टनर हालांकि गालिब असल में पार्टनर नहीं है लेकिन ये सुन के अब चूंकि फराज के सामने ये कहा गया और फराज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसका मतलब फराज साइलेंट रहा

ये रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है इनडायरेक्ट भी हो सकती है अब इस्माइल को जो रिप्रेजेंटेशन दी गई इनडायरेक्ट है लेकिन पार्टनर बै स्टॉपल का रूल अप्लाई होगा एंड ऑन दिस बिलीफ इस्माइल सप्लाइड क्लॉथ ऑन क्रेडिट टू फर्म इस्माइल ने फर्म को उधार माल सप्लाई किया कैन इस्माइल मेक गालिब लायबल फॉर द अनपेड अमाउंट ऑन दिस ट्रांजेक्शन क्या इस्माइल अब गालिब से पैसे रिकवर करवा सकता है यस yes. पार्टनर बैस्ट स्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई होगा हालांकि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है लेकिन ये कंसेप्ट इनडायरेक्टली भी अप्लाई होता है क्या गालिब लायबल है यस तो नो नो वाले तो सीधा ही निकाल देना यस यस वालों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगी और ये डिसीजन दोनों में यस है अब हमने देखना है बेसिस ऑफ डिसीजन जिसकी ठीक हुई उसको सेलेक्ट कर लेंगे यस एज इस्माइल गेव क्रेडिट टू द फर्म ऑन फेथ ऑफ गालिब रिप्रेजेंटेशन यस ये ऑप्शन ठीक है डी यस एज गालिब डिड इट इंटेंशली टू डिसीव अदर्स नहीं 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 बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इस्माइल ने जो क्रेडिट दिया उधार दिया वो गालिब की रिप्रेजेंटेशन की बेस पे दिया तो 34 में करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी बी चलिए मेरे भाई आगे चले बस नाम चलिए ये हमारे एम थे आज के लेक्चर में हमने असाइनमेंट प्रीवियस असाइनमेंट की डिस्कशन भी कर ली एम भी कर लिए इसके साथ ही हमारे सिलेबस का मोस्ट प्रोबेबली सबसे बड़ा चैप्टर जो है बड़ा चैप्टर सबसे वो कंप्लीट हो गया तो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब हमारी फ़िज़िकल क्लास होगी तो उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हम अल्लाह हाफिज